भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इससे पहले भी हमारे लीडर्स जो यंग और टैलेंटेड लीडर्स, चाहे शुपियन का हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गवर भट्ट साहब हो, पुलवामा का शबीर भट्ट साहब हो, डूरू का आकंद साहब हो, और कल शहीद वसीम बारी को शहीद किया गया, उनके छोटे भाई उमर सुल्तान बशीर साहब को, बेसिकली एक जो नेशनलिस्ट आवाज़ यहाँ बढ़ रही है कश्मीर में, जो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जो लोग आए रोज, जो एक पॉपुलरिटी यहाँ बढ़ रही है, और तो हमारी लीडिंग की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, क्योंकि वसीम बारी साहब एक ऐसे नेता थे जिनके हमेशा आप भीड़ देखते थे, और गरीबों की भीड़, सेंटर स्पॉन्सर जितनी भी सिटी में थे, वसीम बारी साहब हमारे उसमें सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे कश्मीर में आते थे, जो उन स्कीमों को अंतरण कराए थे या गरीबों के लिए वो हमेशा 24 घंटे तैयार रहते थे। एक तरफ पुलिस फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज का दहशतगर्दों को ताकुब करके, उनका पीछा करके, उनको चुन चुन के मारना और दहशत का यहाँ अंत करना, दूसरी तरफ उसके इतने बड़े बड़े लोग जो 30 साल तक यहाँ गन की वकालत कर रहे थे, उनको ये बात समझ आनी कि अमन से ही सारे मसले हल हो सकते हैं, और उनको भी एहसास होना कि कश्मीर के नौजवान मारे जा रहे हैं। जब ऐसी हालात में पाकिस्तान को यहाँ सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन के साथ, छोटे समझे मंसूबे के साथ, उन्होंने कद हमारी जो बोल्ड वॉइस थी, जो नेशनलिस्ट वॉइस थी, उनको यहाँ शहीद किया, और इसी प्लानिंग के तहत, इसमें मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कहना चाहता हूँ, 7 दिन से पहले अगर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है कि अब 7 दिन के बाद बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो हमारे टारगेट पर रहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। अगर उन्होंने सीरियस लिया होता तो आज वसीम बारी साहब शहीद नहीं होते, और 8-8 PSOs का दावा करना कि उसके साथ, मुझे बताइए कहाँ है वो 8-8 PSOs, अगर 8-8 PSOs है तो इस साइड में से सिंगल गोली क्यों नहीं चली, दहशतगर्द कोई क्यों नहीं मरा है, पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात को देखना चाहिए और इस बात को उनको जवाब देना। उस टाइम लगभग 8:30 थे, मैं दुकान बंद कर रहा था, मैंने सोचा वो सामान वगैरह अंदर कर लूँ, उसके बाद मैं जा रहा था, जैसे ही फायर हो गई दुकान का शटर मैंने नीचे ओपन किया, फिर मैं अपनी शटर की दुकान के अंदर बैठ गया, फिर उसके बाद मैं जैसे 10-15 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जैसे ही उठे, सब पुलिस वाले आए थे, सब ऑफिसर्स आए थे, फिर वहाँ पे बारी पाया और उनके पापा और उनके दूसरे भाई खड़े। तो आपने देखा ये? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अपनी दुकान के अंदर सभी भागने लगे, मैंने भी शटर नीचे किया, मैं अपनी दुकान में। अभी जब हम यहाँ आए हैं तो मौका का मुआयना किए हैं, CCTV फुटेज पूरा डिटेल में देखे हैं, ऑफिसर से बात किए, और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है। और कल जब शाम में 7:45 जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव यहाँ से घर वापस आए, तो पहले घर में उपड़ गए, उसके बाद दुकान पर आए, उनके PSO सारे अपने रूम में चले गए, जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे, और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है, उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग बड़ा अफसोस करते हैं, और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है, जिसका नाम आबिद है, हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस आर्मी CRP मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। सर ये एक प्रोटेक्टिव पर्सन था, जैसा हमने सुना है कि 10 PSO इसको, बिल्कुल ये बड़ा से बिल्कुल नज़दीक हम अनफॉर्चुनेट, हाँ अनफॉर्चुनेट, जो थाने में जो मेरा CCTV कैमरा था उसी में पूरा इंसिडेंट को कैद किया गया, हम लोग देखे, मैं जस्ट देख रहा हूँ, हमारे साथ आर्मी के ब्रिगेड साहब भी है, CRP के कमांडेंट साहब भी, सब मिलकर देखे हम लोग, एनालिसिस किए कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, 2 सिक्योरिटी विंग्स था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे, उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है, अगर 2 PSO भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता, तो ये हमारे साइड से हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। SP साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है,
उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। सर कितने मिलिटेंट्स आए थे अटैक करने के लिए, आप नंबर बता सकते हैं? उसमें एक मिलिटेंट जो फायरिंग किया नज़दीक से, एक मिलिटेंट जो है वो दूर से उसको गाइड कर रहा था, जो एस्पोर्टर जिसको कहते हैं हम लोग। सर आपको लगता है मिलिटेंट प्रेजेंस यहाँ पर है इस हिसाब से कि इतने क्लोज जहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन है और थाने के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर हमला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मिलिटेंट का प्रेजेंस तो रहता ही है। मिलिटेंट में पहले कह दिया कि प्री प्लान अटैक लग रहा है, प्लानिंग करके, क्योंकि जो मिलिटेंट जो उसका स्पोर्टर है, जब ये घर से गाड़ी में बैठ के गया अपने ससुराल गए हैं, उस टाइम भी एक लड़का दिख रहा है कि जिसको वॉच कर रहा है, जो वॉच वापस आए उसमें वो दिख रहा है इसको, तो सीसी फुटेज से लग रहा है कि प्री प्लान अटैक है और मिलिटेंट का प्रेजेंस था तब तो अटैक हुआ है। लेकिन कोई बात, घबराने की कोई बात नहीं है और हम लोग इसको जल्दी खबर को और डेवलप करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। भाजी साहब, ये बीजेपी समेत बाकी जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके लीडर्स की सिक्योरिटी इस अटैक को देखते हुए आप रिव्यू करेंगे क्या, क्योंकि ये बहुत ही फोर्टिफाइड एरिया में ये हमला हुआ है? देखिए, जिनको जिनको स्पेसिफिक थ्रेट है उनको हर एक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, जैसे आज का इंसिडेंट जो कल सामने हुआ है इनको भी सिक्योरिटी था। बाकी अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई हमारे सरपंच पंच हो कोई हो, अगर किनको स्पेसिफिक थ्रेट मिलता है तो हम लोग अपील हरदम करते हैं कि आपने एसपी से मिलिए और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सर कितने लोग थे, व्हीकल कौन सा इन्होंने यूज़ किया और कितने यूज़ किए, आप करेंगे व्हीकल जी? नहीं नहीं, उस जो फुटेज देखने से लगता है कि मिलिटेंट कोई व्हीकल सा है, वो पैदल आया है। सर बांडीपुरा में अपनी नियत का ये पहला ऐसा अटैक है किसी पॉलिटिकल आदमी पर, तो आपको लगता है कि किसी ये पॉलिटिकल आदमी को सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, सिक्योरिटी बढ़ाने से कम करने से इंसिडेंट नहीं रुकता है। फ्रेंकली, जो भी जवान जो भी सिक्योरिटी पर्सन है वो कितना अलर्ट है और कितना बहादुरी से फाइट करता है ये मैटर करता है। 8 लड़का बहुत होता है, एक सेक्शन का स्ट्रेंथ है। अगर हमारे 2 सिपाही इनके साथ रहता तो शायद मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं।